झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन को आज जमानत दे दी है। 13 जून को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोरेन कई महीनों से जेल में बंद है। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि आज कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। आज कोर्ट के आदेश की कॉपी चली जाएगी, कल वे बाहर आ जाएंगे। आपको बता दें कि ईडी के हेमंत सोरेन को इसी साल 31 जनवरी को कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर विरोध जताया था। ईडी का कहना था कि जमानत से जांच प्रभावित हो सकती है। हालांकि कोर्ट ने ईडी की बात नहीं मानी और जमानत दे दी है। इससे पहले सोरेन की जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो गई थी। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन बड़गई अंचल जमीन घोटाले के आरोप में 31 जनवरी से जेल में बंद है। मामले में ईडी ने जांच पूरी करते हुए 30 मार्च को हेमंत सोरेन समेत 5 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसके अलावा जिमेल नेता अंतु तिर्की सहित 10 आरोपी पर पूरक आरोप पत्र भी बीते दिनों अदालत में दायर हो चुका है। मामले में हेमंत सोरेन सहित 11 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ी राहत मिली है। राज्य में पार्टी की सरकार है, जेएमएम की कमान सोरेन के हाथ में है, इसलिए चुनाव से पहले पार्टी को नई ऊर्जा मिली। हेमंत सोरेन के जेल जाने से हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से चंपई सोरेन को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था।